जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आज का ये जो रिक्वायरमेंट है वो इंग्लैंड के लिए है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इंग्लैंड के बारे में बताने वाला हूँ। इंग्लैंड के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सैलरी है और कौन कौन लोग जा सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन, क्या एजुकेशन, क्या एज होने चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग को सभी प्रकार के बारे में नॉलेज हो सके। और मेरा यह है कि आप लोग जिस ट्रेड से भी हों, यानी कि जो भी भाई विदेश कमाने के इच्छुक में रहते हैं, यानी कि विदेश जाने के इच्छुक में रहते हैं या यूरोप, वो सभी भाई एक नॉलेजेबल वीडियो को पूरा जरूर देखना चाहिए ताकि उससे आप बाकी ट्रेडों से रिलेटेड आपको जानकारियां मिल सके। तो उम्मीद है कि आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। अब मैं बात करता हूँ कि ये रिक्वायरमेंट है वो कौन से ऑफिस में आया है और कौन कौन से ट्रेड से है और कितनी सैलरी आपको मिलेगी और कौन कौन लोग किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो रिक्वायरमेंट है वो इंग्लैंड के लिए है, इंग्लैंड देश जो कि पाउंड चलता है, ठीक है। और मैं आपको इसमें ट्रेड बताऊं तो ट्रेड है मेसन और सेटरिंग कारपेंटर, ठीक है। इसमें दो ही ट्रेड दिए गए हैं, सेटरिंग कारपेंटर और मेसन, ठीक है। इन लोगों का क्या सैलरी रहेगा वो मैं बताऊंगा और कौन से ऑफिस में आया है। हालांकि कभी कभी ये ऑफिस में आते हैं, हमेशा यूरोप का या बाहर देश का हमेशा नहीं आते, लेकिन कभी कभी जिसमें बांट आते हैं, ठीक है। तो ये काफी दिनों बाद आए हैं रिक्वायरमेंट इंग्लैंड से, ठीक है। इसमें दो ट्रेड आए हैं, मेसन और सेटरिंग कारपेंटर। इनका जो सैलरी है वो 39,000 पर ईयर है, 39,000 महीने की मत समझ लीजिएगा, ये गलती आप लोग मत करिएगा और बाद में आप लोग कमेंट करने लगेंगे। मैं आप लोग को ईयर के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि सैलरी 39,000 पर ईयर, ठीक है, यानी कि एक साल में आपको 39,000 GBP मिलेगा। GBP का मतलब हो गया ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यानी कि जैसे अपने यहाँ क्या है INR, जैसे इंडियन नेशनल रुपीस, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग देश के अलग अलग, जैसे यूरो। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें कितना सैलरी है और कौन से यूरो में आप लोग को मिलेंगे, यानी कि कौन से पैसे में, कौन से डॉलर में आपको मिलेंगे। तो ये डॉलर से भी ऊपर है पाउंड। अब मैं आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखाऊंगा कि एक पाउंड का कितना होता है और 39,000 का कितना पैसा इंडिया का बनेगा एक साल का। उसके बाद से मैं बताऊंगा कि कौन से ऑफिस में आए हैं और उसके बाद से मैं बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से ऐसे लोग हैं, जो कौन कौन से ऐसे भाई हैं जो ट्रेड हैं, यानी कि इस ट्रेड से रिलेटेड हैं, उनको क्या होना चाहिए और कौन कौन से मेरे भाई इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो जेन्युइन तरीके से। दूसरी, इसमें मैं चार्जेस नहीं बता सकता क्योंकि ये ऑफिस का जो है पर्सनली चीजें हैं, ठीक है। आप लोग जब अप्लाई करने के लिए जाएंगे या उसमें पूछेंगे तो आप लोगों को पता चल सकते हैं, क्योंकि वो उसका है, मेरे ऑफिस का नहीं है, ये दूसरे किसी ऑफिस का है जो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, ये उसका पर्सनलाइज है, ठीक है। तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि हो सकता है बहुत लोग जुड़े हों या उसका क्या है क्या नहीं है, और हमें जानकारी भी नहीं है एक्चुअली, अगर बताया जाए तो हमें जानकारी भी नहीं है। लेकिन मैं एक अंदाजा बता दूंगा आपको कि इतना लग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सैलरी भी आप लोगों को 3.5 लाख के करीब में रहेगा, जो कि यहाँ पे मैं सर्च करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ और मैं आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके लाइव में आपको दिखाता हूँ कि कितना सैलरी एक साल का, यानी कि इंडियन रुपीस में कितना बनता है। तो चलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिए, गूगल में चलते हैं। इसके पहले भी मैंने गूगल में जा करके चेक कर लिया था कि कितना होते हैं, उसके बाद से मैंने आपको वीडियोस बनाने के लिए आए थे। तो सबसे पहले गूगल में जाना है और उसके बाद से यहाँ पे लिखना है 1 GBP to INR, ठीक है, 1 GBP to INR, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करते ही दबाएंगे, यानी कि आप दबाएंगे, लिखेंगे 1 GBP to INR तो इसमें आएंगे। उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 GBP, यानी कि एक पाउंड का इंडिया में 110 रुपये 62 पैसे हो रहे हैं, 110 रुपये 62 पैसे। यहाँ पे जो एक लिखा है, यानी कि पाउंड स्टर्लिंग जो लिखा है, इसके सामने जो एक लिखा है, यहाँ पे एक पे दबाएंगे और यहाँ पे इसको कट करेंगे और इसमें लिखेंगे 3900, ठीक है, यानी कि 000, यानी कि तभी 39,000 होगा, ठीक है, 39000, यानी कि 39,000 में आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लाइव प्रूफ कि 43,14,200
69.70 रुपये ये भी के टाइम पे जो अभी प्रेजेंट में जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से 43 लाख रुपए आपका एक साल का बनेगा। ये लाइव प्रूफ मैंने आपको दिखाया, ठीक है, इस टाइम का रेट है जो, ठीक ना। यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद करूंगा, उसके बाद से और भी इन्फॉर्मेशन चीजें आपको बताऊंगा, इन्फॉर्मेटिव चीजें यानी कि जानकारी जरूरी जो चीजें हैं। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। फिर से यहाँ पे वांट आप देख सकते हैं और ऊपर में सबसे पहले लिखा है अम्बे इंटरनेशनल वन स्टेप रिक्वायरमेंट, यानी कि अम्बे इंटरनेशनल जो ऑफिस है मुंबई में है और अलग अलग जगह में है, चेन्नई में भी है, ठीक है। तो ये ऑफिस जो है चेन्नई में है, मुंबई में है और भी अलग अलग जगह पे है, जो कि हम चेन्नई में जो ये ऑफिस है इसके बारे में जानते हैं। तो ये ऑफिस आप जहां से भी हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बड़ौदा, यहाँ जहां पर भी ये ऑफिस है यानी कि चेन्नई में है तो चेन्नई से अप्लाई कर सकते हैं, मुंबई में है तो मुंबई से अप्लाई कर सकते हैं, बाकी अलग अलग जगहों पे होंगे, आप लोग गूगल में सर्च कर लीजिएगा। तो इस ऑफिस में आए हैं, ठीक है, आप कहीं से भी हैं, ठीक है, आप कहीं से भी हैं, आप अम्बे इंटरनेशनल के जो वेबसाइट है उस पर जा करके इनका मेल निकाल सकते हैं, इस पर मेल कर सकते हैं अपना सीवी। और अगर आप ऑफिस विजिट करना चाहें तो चेन्नई, मुंबई में आप ऑफिस विजिट करके इंग्लैंड का जो रिक्वायरमेंट है मेसन से, इन कारपेंटर से, इस दो ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों कि इसमें टेस्ट क्या होंगे। इसमें दोस्तों जो टेस्ट होंगे वो आपको कम से कम हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगेगा और आपको गुड इंग्लिश आना चाहिए। इसमें लिखा है सैलरी 39,000 पर GBP पर ईयर, वेरी गुड इंग्लिश रिक्वायर्ड, यानी कि बहुत अच्छी तरह से आपको अगर इंग्लिश आती है तो इसमें अप्लाई आप लोग कर सकते हैं। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ही क्यों कंपनी हायर करती है, जो गरीब लोग हैं जो नहीं पढ़ सके हैं, जिनके माँ बाप गरीब थे नहीं पढ़ा पाए, उनके लिए रिक्वायरमेंट क्यों नहीं आती है और उनके लिए क्या सुविधाएं हैं। तो देखिए दोस्तों, आजकल कोई भी इंसान और कोई भी कंपनी अपनी तरक्की के लिए ही सोचती है, कोई भी ये कंपनी ये नहीं चाहेगी कि मेरे कंपनी में कोई बेकार आदमी आए, कोई मतलब ऐसा आदमी आए जो कुछ बोलने पे समझे ना, कुछ कहने में समझे ना, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि एक कचरे को अपने साथ में रखना कितना प्रॉब्लम वाली चीजें बनती है, जैसे बेगैर जरूरत का अगर अपने आपके पास कोई सामान हो तो उसको आप लोग किस हिसाब से देखते होंगे। इसी तरह से कंपनी जो लायक नहीं है उस तरह से उसको समझती है, कचरे के समान, ठीक है, हो सकता है कड़वा हो लेकिन ये सच है। दूसरी चीज मैं आप लोग को ये बताऊं कि जो लोग ये बोलते हैं कि हमें पढ़ लिख करके मेसन का ही तो काम कर रहे हैं या सेटरिंग का ही तो काम करने हैं, तो आज वो लोगों के लिए ये चीजें दिख रहा है सामने कि अगर आप लोग इंग्लिश पढ़ाई किए भी होते या आप लोग प्लस टू, प्लस थ्री या प्लस वन किए होते, हाई स्कूल पास किए होते और उसके बाद ये काम करते तो आप लोग को क्या हासिल करने को मिलता, यानी कि आप लोग पढ़ाई करने के बावजूद भी अगर आपको नौकरी नहीं मिलती तो भी इस जगह पे आप लोग कभी आते तो आपका काम जरूर हो जाता। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जानबूझ करके छोड़ देते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मजबूरी में नहीं पढ़ पाते। अब मैं आप लोगों को ये बताऊं कि इसमें जो जिन लोगों का होगा उनको इंग्लिश की कैसे चेक किया जाएगा, यानी कि जैसे मैं यहाँ पे हिंदी बोल रहा हूँ इससे भी अच्छी इंग्लिश यहाँ पे आपको टेस्ट किया जाएंगे ऑफिस में, आप जब आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई टेस्टिंग ज्यादा हार्ड काम के बारे में नहीं होगा लेकिन गुड इंग्लिश आपको चेक किया जाएंगे, ठीक है। आपको काम के पीरियड में आपको काम के बारे में सब कुछ इंग्लिश में पूछा जाएगा कि जैसे कितनी हाइट पे स्लैब बांधते हैं, कैसे सेटरिंग का काम करते हैं, सेटरिंग में क्या क्या टूल्स चाहिए, किस प्रकार से आप सेफ्टी अपना रखेंगे, किस हिसाब से कंस्ट्रक्शन लाइन में काम होंगे, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको इंग्लिश में बतानी पड़ेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मैं ट्राई कर सकता हूँ, हमें तो इंग्लिश थोड़ा बहुत आती है। तो थोड़ा बहुत इंग्लिश आती है तो आप लोग ये समझ लीजिए कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन के बारे में अगर आपको टेस्ट किया जाए, जैसे मान के चलिए कंस्ट्रक्शन के बारे में, जैसे कि आप लोग नाम भी नहीं हो सकता है सुने होंगे उसके बारे में, वहाँ पे इंग्लिश में अगर बात की जाए तो क्या आप समझ सकते हैं, अगर आप समझ सकते हैं तो ही इसमें पास हो पाएंगे।
यानी कि इतना समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छी पढ़ाई किए हैं, प्लस टू किए हैं या कोई डिग्री किए हैं या कोई हाई स्कूल ही किए हैं, बहुत अच्छी मेहनत किए हैं, पूरा इंग्लिश बोल पाते हैं और हर एक चीज़ों के बारे में आप जानते हैं, जानकारी है, तभी इस ऑफिस में पास हो सकेंगे। और मैं नेक्स्ट, आप पढ़े लिखे हैं लोग हैं उनकी ये चीज़ है कि इसमें पास हो सकेंगे। और रख गया सवाल 43 लाख रुपये एक साल का, तो लगभग 3.5 लाख रुपये से ऊपर महीने के बनेंगे इंग्लैंड में, जो कि आप लोग सेटरिंग कारपेंटर और मेसन से जाते हैं। तो अब मैं बात करूं कि जो लोग गरीब आदमी हैं, जो लोग नहीं पढ़ाई किए हैं और जिनकी गुड इंग्लिश नहीं है या गल्फ एक्सपीरियंस नहीं है, वो कैसे इतने पैसे कमा सकते हैं। देखिए दोस्त, उनके लिए यूरोप के लिए है, यूरोप में ना ही आपको गुड इंग्लिश की ज़रूरत है, ना ही गल्फ एक्सपीरियंस की ज़रूरत है और ना ही आपकी हाई एजुकेशन की ज़रूरत है। तो चाहे आप कितना पैसे रखे हो या कितना पैसे लगा लें और आपका काम ही ना हो, यानी कि आपके पढ़ाई की वजह से या एक्सपीरियंस की वजह से, तो उतने पैसे रखने से क्या फ़ायदा, ठीक है। तो आप लोग के लिए जो लोग नहीं पढ़ाई लिखे किए हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है या गल्फ एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए यूरोप सही है। अगर आपको कोई कंसल्टेंसी अच्छा मिलता है, जैसे मैं भी एक कंसल्टेंसी से जुड़ा हूँ जो कि चेन्नई में है, और मैं डायरेक्ट यूरोप के कंपनी से भी जुड़ा हूँ, तो उससे जो है अच्छे से अच्छे रिस्पांस मिल रहा है। काफ़ी भाई अप्लाई करके जा रहे हैं और अच्छा भी रिस्पांस आ रहा है। मैं आगे आप लोगों को आने वाले वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग के लिए ये अपॉर्चुनिटी बढ़िया है, जो लोग जिन लोगों के पास गुड इंग्लिश नहीं है, जिन लोगों के पास गुड इंग्लिश है उनके वो ये एशिया पावर, अंबेडकर कंसल्टेंसी, आर्क इंटरनेशनल, सीगल ऑफिस में कभी कभी रिक्वायरमेंट आते हैं बाहर के, तो उसमें आप लोग अप्लाई करके जा सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आप लोगों को अगर समझ में आए तो ठीक, नहीं तो कमेंट करके ज़रूर अपना कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। बाकी दोस्त, आप लोग अगर अम्बे कंसल्टेंसी का मेल जानते हैं या आप लोग अगर ऑफिस विजिट कर सकते हैं, तो आप लोग कभी भी एक महीने के अंदर विजिट करके, अगर जो भी भाई पढ़े लिखे हैं जिनको सेटरिंग का काम को अच्छा करना आता है, एक्सपीरियंस है और गुड इंग्लिश है, तो जा सकते हैं। अगर आपको खूब अच्छी तरह से एक्सपीरियंस है और गुड इंग्लिश नहीं है, तो आप लोग मत जाइएगा। और आपका गुड इंग्लिश है, एक्सपीरियंस है, तभी जाइएगा, तभी आपका काम होगा, ठीक है। इसमें लगभग मैं आपको लास्ट में बताने की कोशिश की कि क्या चार्जेस हो सकते हैं, तो लगभग 3.5 लाख से 4 लाख रुपए सर्विस चार्जेस हो सकते हैं। ये मैं अपने माध्यम से बता रहा हूँ, मैं कंसल्टेंसी के चार्जेस को नहीं जानता, ठीक है, मैं अपने माध्यम से बता रहा हूँ। हो सकता है कि 3.5 लाख 4 लाख रुपये के बीच में ये चार्जेस होंगे, क्योंकि इन सभी कंसल्टेंसी ऑफिस में जो ऑफिस में विजिट करके करेंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं रहते, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आए होंगे, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, ताकि कोई भाई अगर हैं इच्छुक जाने के लिए या उनको जाने लायक पूरा एक्सपीरियंस है और नॉलेज है, तो जा सकेंगे, ठीक है। लास्ट में विनती करेंगे कि जो भी भाई अभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जो भी भाई सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए उम्मीद है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।